कि निशाने पर वसुंधरा राजे नहीं है, अशोक गहलोत हैं। और गहलोत इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। लेकिन गहलोत खामोश हैं। गहलोत ने कल कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है, इसके बाद पूरे मंत्रिमंडल की मीटिंग होगी। इन दोनों मीटिंग से के बाद पता लगेगा कि गहलोत की रणनीति क्या होगी। वैसे गहलोत ने आज अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर रिलीज किया। इस वीडियो के जरिए गहलोत ने यह दिखाने की कोशिश की है कि पायलट की बयानबाजी से, पायलट के अनशन से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका फोकस अपने काम पर है। अशोक गहलोत ने कहा कि उस सियासी चक्कर में फंसने के बजाय जनता को महंगाई से राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। किसी और राज्य में जनता को मुफ्त में 25 लाख का 10 लाख का भी बीमा नहीं मिल पा रहा है। किसी भी राज्य में 500 रुपए में गैस सिलेंडर नहीं भरा जा रहा है और ना ही ऐसी किसी योजना पर विचार किया जा रहा है। सिर्फ राजस्थान में 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया गया जा रहा है बिना किसी प्रीमियम के। इस तरह से और भी बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले किए गए हैं जिनसे राजस्थान के लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी, पैसे की बचत होगी और आज की इस बचत से हमारी आने वाली पीढ़ी को बढ़त मिलेगी। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने सचिन पायलट के अनशन को सियासी ड्रामा बताया। राजस्थान असेंबली में विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि सचिन पायलट का अनशन कांग्रेस की इंटरनल फाइट का नतीजा है। अगर भ्रष्टाचार की जांच मुद्दा होती तो सचिन पायलट डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते हुए यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया? सरकार का अंतर्कलह चरम पर है, अपमान की राजनीति इस कदर इस आगे पहुंच गई है कि आखिर जिस व्यक्ति ने सरकार को निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाई थी आज वो अनशन पर जा रहे हैं, सहारा ले रहे हैं पूर्ववर्ती सरकार का, उनके मन में पीड़ा है अपने अपमान।